So we were studying power series solution and we were writing solution about an ordinary point, and you did not get any difficulty when you wrote the solution about ordinary point. And then we moved to singular points and we have taken one example. So now I'm going to state the main theorem. So there are two type of proof of this theorem. One is construction using analysis, and that is out of the scope of this course. And second one is that you just verify that these are the solution. So I'll state the theorem, then we will take cases. So we consider second order equation in this form, standard form. At a regular singular point, x naught. Let radius of convergence R is not bigger than the radius of convergence of either x minus x naught times p or x minus x naught square times q. So in fact you say that these are analytic, x minus x naught p and x minus x naught square q. If these are analytic, then you say that point is regular singular point. So over radius of convergence, this may solution converge karega, that is capital R, and this is not bigger than these two. So then we फिर हम क्या करेंगे, we take power series solution y equal to an x minus x naught n plus r as power series solution. Let r1 and r2 solve of the initial equation or root of initial equation. इसमें फिट कर दोगे जो मिनिमम कॉफिशियंट था. नो नीड टू मेमोराइज, सो वी विल कंस्ट्रक्ट फ्रॉम क्वेश्चन. देन व्हाट इज r1 r2? दीज आर रूट्स ऑफ इनिशियल इक्वेशन. हमने पिछले एग्जांपल लिया था ना, ये मिनिमम कॉफिशियंट था, उसको इनिशियल इक्वेशन बोलते हैं, उसके जो दो रूट होंगे. इसी से आपको आर मिलेगा. व्हाट आर यू विल टेक सम 0 टू इनफिनिटी लिमिट डाल देना. देन देयर आर थ्री केसेस. नंबर वन, सो इफ r1 नॉट इक्वल टू r2 एंड देयर डिफरेंस r1 माइनस r2 इज नॉट
a non-active integer. Then the two linearly independent solutions are given by वैसे थोड़ा सा को दोबारा लिख लो. हमने जो पिछला एग्जांपल किया था उसमें x पॉजिटिव था बट यूजुअली वी मल्टीप्लाई विद x माइनस x नॉट पावर r इन सम इन a n x माइनस x नॉट पावर n. वो फिर जी रखो सेम, ठीक है, उसको x माइनस x नॉट मॉड पावर r से मल्टीप्लाई कर दो. Then two linearly independent solutions are. तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है कि मान लो एक वैल्यू ये वन आ गया, ठीक है, दूसरा थ्री बाई टू आ गया, तो एक आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, एक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग. दिक्कत जब ये है कि हर एक केस में नहीं होगा. खैर, अगर डिफरेंस इंटीजर हो, जैसे वन आ गया दूसरा टू आ गया, या थ्री बाई टू आ गया एक वन बाई टू आ गया, उनका डिफरेंस इंटीजर बन गया, तो उस केस में क्या होगा कि आपको एक ही मिलेगा, दूसरा उसका मल्टीपल बन जाएगा. ऑफ कोर्स पावर सीरीज है क्या, एक्स की पावर सी तो है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. यू गॉट पहला सोल्यूशन आर वन डाल दो यहां पे, यू गॉट वन सोल्यूशन ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट पावर एन. और इस थ्योरम को कोई मतलब मेमोराइज करने की जरूरत भी नहीं है, वी विल सी फ्रॉम केसेस. दूसरा आपको ये सोल्यूशन मिल गया कॉरेस्पॉन्डिंग आर टू, और ये हमने एग्जांपल कल भी किया था इन द बिगनिंग. कॉफिशियंट चाहे तो आप डिफरेंट लिखना है तो उसको बी एन लिख दो, ठीक है, एक डिफरेंट सीरीज बनेगी, एक ए एन कह दो, एक को बी एन कह दो. एंड these coefficient you can find from recurrence relation, ठीक है. ए एन और बी एन कैसे निकालोगे, वेयर ए एन एंड बी एन कैन बी डिटरमाइंड बाय ए रिकरेंस रिलेशन. सेकेंड, इफ आर वन इक्वल टू आर टू, देन यू गॉट वन. अब इक्वल हो गए तो आपको एक ही मिलना है फिर, ठीक है. देन वाई वन इज गिवन बाय द सेम फार्मूला गिवन अबव, सेम फार्मूला as above, and y2 is of the form. Now recall the Cauchy-Euler equation. ध्यान है कैसा था सोल्यूशन, log x से मल्टीप्लाई हो रहा था ना दूसरा, उसमें भी सिमिलर है कि पहला सोल्यूशन है उसको log से मल्टीप्लाई कर दो x माइनस एक्स नॉट से, और प्लस ये सीरीज यू एट सम सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट पावर एन. नोट दैट सम स्टार्ट फ्रॉम वन, यानी कि एक सोल्यूशन आपने निकाल लिया वाई वन, उसको लॉग एक्स माइनस एक्स नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सीरीज एड कर दो वन से शुरू करके. T
तीसरा केस है अगर डिफरेंस, अगर आपका डिफरेंस पॉजिटिव इंटीजर हो, इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन टेक आर वन टू बी द लार्जर रूट अगर कॉम्प्लेक्स है तो फिर जिसका रियल पार्ट बड़ा हो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं इफ डिफरेंस इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन टेक आर वन टू बी द लार्जर रूट ओके बड़ा देख लोगे आसानी से देन वाई वन इज स्टिल सेम मतलब सेम का मीनिंग दिस वन जो हम बेसिक लिखते हैं पहला देन वाई वन इज स्टिल सेम बट वाई टू इज एक कॉन्स्टेंट वाई वन लॉग से मल्टीप्लाई कर देना है पहले वाले सोल्यूशन को और उसमें ये सीरीज ऐड करनी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब इनमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप ये फैक्टर ऐड नहीं करते दिस वन तो आपको दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे और इन सब का बेस है कॉशी कॉशी यूलर इक्वेशन जो ये कहती है कि अगर आपके सॉल्यूशन एक्स की पावर आर की फॉर्म में हो अगर एक एक्स पावर आर में हो तो दूसरे को आप लॉग से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो तो इनका कंस्ट्रक्शन का बेस भी यही था हाँ बाकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये इस फॉर्म में आएंगे ठीक है क्योंकि आपकी इक्वेशन कॉशी यूलर इक्वेशन नहीं है यू हैव जनरल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉशी यूलर तो एक स्पेशल केस है ठीक है तो आइडिया मोटिवेशन उसी से है कि उसके सॉल्यूशन में लॉग एक्स आ रहा था तो वहीं से आइडिया लेके इन्होंने डेवलप किया फ्रोबेनियस ने ठीक है अब बाकी आप हाँ जी सर थर्ड केस लेने की मतलब क्या जरूरत पड़ी फर्स्ट सिमिलर ही तो है अगर आर वन उसमें भी तो यही लिखा था कि आर वन माइनस आर टू इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर सर जो फर्स्ट केस लिखा था उसमें भी तो यही था कि आर वन माइनस आर टू इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर तो वो ये सिमिलर ही तो है नॉट नॉट था नॉट और इसमें फर्क नहीं होता उसमें कहता है नहीं है इसमें कह रहा मैं हूं है ये कह रहा हूं ना ठीक है श्वेता सर ये जो आपने dn लिखा है लास्ट वाले केस में ये यहाँ पर समेशन में n इक्वल टू 1 से इनफिनिटी नहीं होगा नहीं ऊपर वाले में 1 है ये चीज है और ये सर y1 से पहले जो कैपिटल c है उसका क्या लॉजिक है ये कांस्टेंट है ओके सर दिस मे बी जीरो और बहुत बहुत जीरो ही होता है होगा क्या थर्ड केस भी कवर हो जाता है फर्स्ट जैसा ही अगर ये जीरो होगा तो फिर क्या होगा फिर तो ये जनरल सीरीज ही है यस सर ठीक है तो बहुत बार बहुत एग्जांपल में ऐसा मिलता है okay, कुछ एग्जांपल में नहीं मिलता तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इसमें ऐड कर दो बस ये इतना है okay, ये तो यूजुअल सीरीज बन गई ना आर टू के कॉरस्पॉन्डिंग हां जी सर नॉर्मल सीरीज है तो उसमें ये आपने ऐड कर दिया ठीक है सो हियर और मोस्ट ऑफ केसेस में जीरो ही आता है हियर कॉन्स्टेंट सी मे बी जीरो मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार यानी कि कहने का मीनिंग है अगर डिफरेंस अगर इंटीजर नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है दो सोल्यूशन मिल जाने हैं फिर थर्ड पे आ जाओ वैसे मैंने उसको सेकंड लिखना था तो कोई नहीं अगर इंटीजर हो तो बहुत बार मिल भी जाएगा डिफरेंट बट कुछ टाइम नहीं मिलेगा
जब नहीं मिलेगा तो आपने क्या करना है, उसको सॉल्यूशन को सी टाइम्स वाई वन लॉग से मल्टीप्लाई कर, सॉरी वाई वन को लॉग से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देना है विद विद सूटेबल कांस्टेंट। और अगर इक्वल हो और फिर उसमें तो दिक्कत है, आपको एक ही मिलेगा ठीक है, दूसरा नहीं मिलेगा, तो दूसरा निकालने के लिए पहले को लॉग से, इसमें तो सी नहीं है, ये टर्म हमेशा प्रेजेंट रहेगी, इसमें हमेशा रहेगा ये, पहले सॉल्यूशन को लॉग से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे की सीरीज, मतलब पहले वाली सीरीज ये एक्चुअली है, उसको उसमें ऐड कर दो। सो वी विल स्टडी, और बहुत बार हम इस पे नहीं जाएंगे वैसे, सेकंड में हमें हेल्प क्या करेगा, हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर पढ़ा हुआ पहले है ना, अगर आपको एक सॉल्यूशन मिल गया तो दूसरा हम निकाल सकते हैं, अब जरूरी नहीं कि आप ये यूज करो। सो वी विल directly apply reduction of order to find second solution in case two. Okay. So now I'll take one example of each case. So case first ka example. If R1 minus R2 difference is not an integer. So, for example, solve the पिछली बार कौन सा लिया था हमने 2x के minus okay. So solve x square y double prime plus x x minus half y prime plus 1 by 2 y equal to 0. Solve about x 0 equal to 0. You can check over coefficients are polynomial. ठीक है? तो क्या check करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के लिमिट एक्स पी एक्स एंड लिमिट एक्स स्क्वायर क्यू एक्स व्हाइल एक्स गोज टू जीरो फाइंड दैट लिमिट, या इन अदर वर्ड्स क्या होना चाहिए, एक्स पी एक्स और एक्स स्क्वायर क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक, इफ दे आर एनालिटिक सो जीरो इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो इन ओवर नोटेशन वी हैव एक्स माइनस हाफ, this will disappear, divide by x square plus 1 by 2 x square. So here px x minus half y x and qx equal to 1 by 2 x square. Seedha likh de. एक्स पी एक्स ये करते थे ना, लिमिट एक्स गोज टू जीरो एक्स पी एक्स जीरो, क्यों एक्स जीरो जीरो है ना, तो एक्स माइनस हाफ आ जाएगा एंड लिमिट एक्स गोज टू एक्स नॉट एक्स स्क्वेयर क्यू एक्स दैट इज वन बाई टू। सो दिस मीन्स एक्स पी एक्स एंड एक्स स्क्वेयर क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू जीरो। So x equal to 0 या x 0 कह दो आप, इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड वी यूज मेथड ऑफ फ्रोबेनियस टू फाइंड पावर सीरीज सॉल्यूशन। So we use method of Frobenius. So we take
सॉल्व करके बताओ इनिशियल इक्वेशन क्या आएगी। एक्स जीरो जीरो है ना, तो ए टेक ए एन एक्स पावर एन प्लस आर, करके बताओ क्या आएगा। फ्रॉम गिवन इक्वेशन यू हैव, जब सब्स्टिट्यूट करो तो इसमें ही कर लिया करो इसके बजाय, ठीक है, जस्ट फिट इन गिवन फॉर्म। स्लैब जीरो इक्वल टू डिफरेंशिएट टू टाइम्स, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, बोलोगे क्या आएगा। सर समेशन एन टू टू इनफिनिटी ए एन, एक बार ये लिख लेता हूँ, ये एक्स एन प्लस आर, ठीक है आएगा। अच्छा सर डेरिवेटिव, जीरो से होगा ना ये वाला तो, हाँ डेरिवेटिव तो लिखने हैं, एन प्लस आर, एन प्लस आर माइनस वन ए एन, एक्स की पावर एन प्लस हाँ आर एक्स स्क्वायर पूरा टू टू फिर इनफिनिटी होगा ना सर, ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया एन था प्लस आर है ना, अब नहीं होगा ना। सर, डिफरेंशिएट तो करा ना, जीरो टू इनफिनिटी है होगा सर, क्योंकि आपने बताया था कि नहीं फर्स्ट टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, सही एक्स लिखा है, वाई फर्स्ट आर से मल्टीप्लाई करने टर्म एक्स पावर आर होगा, अब थोड़ी कैंसिल होगा ये, पहले से। यस सर, तो आर जीरो था ना पहले हमारे केसेस में, तब तो कैंसिल होता था ना, अब तो एक्स पावर आर मिनिमम से शुरू होना ही है ना, इसका डेरिवेटिव आएगा। नाउ सीरीज इज एक्स पावर एन प्लस आर नॉट एक्स पावर एन, सो फर्स्ट टर्म विल हैव ए जीरो एक्स पावर आर, सो सेकंड टर्म, थोड़ा सा डिफिकल्टी ले लिया, डिफिकल्ट नहीं है मतलब कैलकुलेशन है, एक्स स्क्वायर वाई डैश अलग अलग लिख दो इनको ना, फर्स्ट टर्म बनेगा ना ये दिस का, एक्स स्क्वायर वाई डैश देन माइनस हाफ माइनस एक्स बाई टू वाई डैश देन वाई वन बाई टू वाई, मेरे पास इंटरमीडिएट कैलकुलेशन नहीं है, बोलो क्या आएगा। एंड डेरिवेटिव करोगे तो एन प्लस आर समेशन एन जीरो टू इनफिनिटी एन प्लस आर ए एन एक्स की पावर एन प्लस आर, नहीं प्लस वन, सर, एक्स से एक्स कैंसिल हो अच्छा जाएगा सर, ठीक है, फिर माइनस हाफ सर एक्स इंटू एक्स माइनस 1/2 था ना, एक्स इन सर एक्स माइनस 1/2 रह जाएगा सर, एक्स को अंदर ले जाओ, और मल्टीप्लाई करके क्या है तो एन प्लस आर ए एन एक्स पावर एन एन प्लस आर बस, ठीक है, एंड लास्ट टर्म वन बाई टू वाई, वन बाई टू अब क्या करें,
एन प्लस आर प्लस वन है तो एन, अगर एन प्लस आर बनाओगे एक पावर में कम करोगे इधर से एक बढ़ जाएगा, फाइनल इक्वेशन बोलो क्या है ये, बोलो n plus r minus 1 an minus 1 x n plus r, फिर ये तो एज इट इज दो टर्म लास्ट वाले, तो आपको फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में n इक्वल टू जीरो लिख के सेपरेट लिखना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट टर्म देगी r r माइनस वन, सेकंड देगा माइनस आर बाई टू और ये वन बाई टू, नहीं ए जीरो एन इक्वल टू जीरो एक्स पावर आर, फिर बाकी सम को आप कर सकते हो कंबाइन। सर इसमें हम इस वाले में फर्स्ट क्यों निकाल रहे हैं, एक्स एन प्लस आर के लिए कॉमन लेके बस बीच वाली में ए नोट निकालेंगे ना सर। किसी से भी कर लो, तीन टर्म में था ना एन प्लस आर था, इसमें एन प्लस आर प्लस वन था तो इसको एक कम कर दिया हमने, नहीं ये आपने आपने तो फर्स्ट वाली में किया है ना सर, ए नोट फर्स्ट वाली से निकाला है ना, फर्स्ट वाले से नहीं निकाला। देखो तीन, अब आपके पास सम चार सम है ना, ये सम जीरो से शुरू हो रहा है, ये वन से, ये भी जीरो से, ये भी जीरो से, ओके तो सर आगे से कर रहा हूँ ना, तो फर्स्ट में जीरो वाली टर्म लिखनी पड़ेगी ना सेपरेट आपको। ओके सर आगे ऐसे करते हैं हम हर बार। यस सर यस सर। अब बोलो इसके अंदर क्या आएगा। फर्स्ट के कोफिशिएंट लिख लो, एन प्लस आर माइनस वन, इसमें भी ए एन है, थर्ड में भी ए एन है, तो माइनस हाफ एन प्लस आर और लास्ट वाले में वन बाई टू, तो इन सब में से कॉमन रहेगा आपका ए एन, ठीक है। सिर्फ मिडिल वाले टर्म में ए एन माइनस वन है तो वो आ जाएगा एन प्लस आर माइनस वन मल्टीप्लाई बाई ए एन माइनस वन, सो क्लोजिंग ऑफ दिस बिग ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर एन प्लस आर इक्वल टू जीरो, सो इसको हम बोलते हैं इनिशियल इक्वेशन फर्स्ट वाले को। सो इनिशियल इक्वेशन फिट मिनिमम कोफिशियंट इक्वल टू जीरो, आर आर माइनस वन माइनस आर हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर में क्वाड्रेटिक बनेगा, दो रूट होंगे उसके, दो रूट हैं इसके वन और हाफ, ठीक है जी। तो अब कौन सा केस है ये,
difference is not an integer. Okay, so there are difference. अब चाहे आप लिखना चाहो तो उसको R1 2 लिख सकते हो. ये भी लिखने का तरीका होता है ना इसमें. इसका मीनिंग है कि पहला R1 1 है और दूसरा R2 2 है. ठीक है, R1 2 इक्वल टू 1. आपके कंप्यूटर के नोटेशन पे ना जाना, कुछ वहां कुछ और होता होगा. सो डिफरेंस R1 minus R2 is not an integer. So we won't have any difficulty. So to find first solution. Sir, ये तो आगे कर लेंगे, बस अब तो आगे R की value उसी put करनी है. So we fit R equal to 1. चलो complete कर दो, answer बता दो मेरे को. रिकंसलेशन में फिट कर देना. ठीक है, ए एन का जो वैल्यू आएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ए वैल्यू आ जाएगा इसमें. इसमें फिट करोगे जब, आर को वन फिट कर दो. ठीक है, तो बार बार अप्लाई करोगे तो जो ए एन का वैल्यू आएगा, हर बार माइनस वन आता जाएगा. टू टू हरेक में रहना है, टू पावर एन, और नीचे फैक्टर बनेंगे 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 अप टू 3 a0. ठीक है, तो पहला जो सलूशन मिलेगा, देयरफॉर y1 क्या होगा. और वैसे ना, मतलब जब सलूशन लिखना है तो इसी फॉर्म में लिखना है आपने. जब सिंप्लीफाई करो तो इस फॉर्म में, इसको सेपरेट लिखना है मॉड के साथ, इस टर्म को मॉड x माइनस एक्स जीरो आर वन. सो वाई वन इक्वल टू मॉड x पावर आर वन ही है, समीशन n जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा. तो ए एन की वैल्यू डाल दो, ए एन इज दिस 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 अप टू 3 x पावर n, और यहाँ पे a जीरो भी आएगा. सो दिस इज फर्स्ट सोल्यूशन. टू फाइंड सेकेंड सोल्यूशन, फर्स्ट को y1 के अंदर फाइंड सोल्यूशन y2, वी सब्सिट्यूट r इक्वल टू हाफ. सो जो रिलेशन है, रिकरेंस रिलेशन, इसमें ये बन जाएगा सिंपल माइनस वन बाई एन. अच्छा, ये क्या देगा माइनस वन बाई एन, एक के कम करोगे तो क्या देगा ये, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू है. ए एन माइनस वन क्या आएगा, सर फैक्टोरियल आ जाएगा ऐसे करते एक करते. बार, हाँ, एक बार माइनस वन हरेक टर्म के साथ आना है, जीरो पे पहुंचोगे साथ नीचे फैक्टोरियल बन जाएगा, फैक्टोरियल. तो सेकंड सॉल्यूशन y2 इज, देयरफॉर y2x इज क्या सॉल्यूशन आएगा, x माइनस x जीरो पावर r. ठीक है, n जीरो टू इनफिनिटी, a n की वैल्यू डाल दो, माइनस वन पावर n ए जीरो डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन एक्स पावर एन. वैसे ना, क्योंकि दोनों में ए जीरो कॉन्स्टेंट सेम लग रहा है ना, तो कई बार बुक्स में भी लिखते ऐसे ही हैं कि इसको वन ले लेते हैं, एक बार बाद कॉन्स्टेंट बाद में डाल देते हैं कि इसमें क्या करो, टेक ए जीरो इक्वल टू वन ले लो विदाउट कॉन्स्टेंट सोल्यूशन निकालो, यानी कि. और सेकंड में भी क्योंकि दोनों सेम तो नहीं लिख सकते ना, दो डिफरेंट है आपके पास. या आप बी कह देते हैं इसको, बी एन वाली सीरीज, या सबसे बेस्ट तरीका है सर, टेक ए जीरो इक्वल टू वन. तो सेकंड सॉल्यूशन विदाउट कांस्टेंट, सो वन आ जाएगा, वन बाय एन फैक्टोरियल. लास्ट में कांस्टेंट फिट कर दो आप, व्हेन यू राइट जनरल सॉल्यूशन, राइट
ठीक है, सीधा लिख दो इसको, माइनस वन बाई एन एक्स पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल, एंड हेंस जनरल सॉल्यूशन इज हेंस जनरल सॉल्यूशन इज वाई इक्वल टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू। केस सेकंड, जब दोनों इक्वल हों, या थर्ड को भी पहले कर सकते हैं, ऑर्डर तो मैटर नहीं करता। ठीक है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं। कितना टाइम बचा है, या नेक्स्ट क्लास में करेंगे? चलो ठीक है, ठीक है, तो करें अभी। बोल दो, स्टेटमेंट लिख दो नेक्स्ट क्लास तक आप करके करके लाओगे? ट्राई कर लेंगे। आप स्टेटमेंट लिख दो। हाँ ठीक है, सो सॉल्व ऑफ दिस इक्वेशन केस टू क्या था? सो व्हेन आर वन इक्वल टू आर टू, सो सॉल्व अबाउट एक्स जीरो इक्वल टू जीरो। ओके, सो क्विकली से दैट दीज आर, क्या कहोगे इनको? एक्स इक्वल जीरो इज एन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इनिशियल इक्वेशन लिखना, सिंपल सा एग्जांपल है, आर जीरो आएगा दो, ठीक है, सो आर वन आर टू इक्वल टू जीरो। सो स्टैंडर्ड फॉर्म, या आप लिखना, बहुत बार हमने लिख लिया क्लियरली, एक्स इक्वल टू जीरो इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सो वी राइट फ्रॉबेनियस सीरीज सॉल्यूशन। सो वी राइट तो लेफ्ट हैंड साइड when you simplify it, can you let me know the final equation? If you simplify, so you got r square a 0 x power r minus 1 summation n equal to 1 to infinity, rest of the terms are n plus r square a n minus n plus r minus 1 square plus 1, ये combine रहेगा, इसके साथ आएगा a n minus 1, then multiply by x plus r n plus r minus 1, check कर लेना next class तक। then initial equation is
r square equal to 0. So this give you r1 r2 both 0 0. ठीक है, तो एक सोल्यूशन लिख के लाना, दूसरा अंक हम कंटिन्यू करेंगे. ओके सर.